الرحيم इस वक्त देश भर में अगर जिक्र किया जाए तो अग्निपथ पॉलिसी को लेकर रोल बैक की मांग की जा रही है और कांग्रेस की तरफ किया जा रहा है। और इस वक्त ठीक तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस के जो जितने भी सीनियर लीडरशिप है जो है वो आज प्रदर्शन कर रही है, इस अग्निपथ को जो है वो रोल बैक की मांग कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप जो है यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और इस अग्निपथ पॉलिसी को लेकर जो है रोल बैक की मांग कर रही है। कुछ पूरे देश में इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तमाम शहरों में, तमाम जिलों में, तमाम विधानसभा स्तरों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह के रास्ते से इसका प्रोटेस्ट, इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में हो रहा है। क्योंकि पहले तो मोदी सरकार ने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो स्टेक होल्डर्स को पूछे बगैर लिए, यूनिलेटरल फैसले। उसमें चाहे जीएसटी की बात हो, डिमोनेटाइजेशन की बात हो, किसान विरोधी बिल्स की बात हो, और अब उसी तरह से ये अग्निपथ स्कीम जो उन्होंने लाई है, जो इसके इफेक्टेड लोग हैं उनसे मशवरा किए बगैर, पार्लियामेंट में डिबेट किए बगैर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस पर चर्चा किए बगैर, जिस तरह से उनने अचानक ये स्कीम देश के युवाओं के सामने रखी, उसका देश के युवाओं ने, जो इच्छुक लोग थे, उन्होंने भरपूर इसका स्पॉन्टेनियस विरोध किया। वो तमाम देश दुनिया ने देखा, क्योंकि ये एक मजाक है हमारे देश के युवाओं के साथ, खासकर उन युवाओं के साथ जो देशभक्ति के साथ में देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के बॉर्डरों की रक्षा करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जो कि इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं सियासती खेल बनाने की कोशिश, वो अपना जो कहें वो उनको मुबारक हो। हम ये समझते हैं कि ये देश हित में ये स्कीम नहीं है, युवाओं के हित में ये स्कीम नहीं है, और हमारी सुरक्षा बलों के हित में ये स्कीम नहीं है। आप ये मजाक कर रहे हो कि 1000 दिनों के लिए युवाओं को आप आर्मी में भर्ती कर रहे हो, 1460 दिन के लिए वो एनरोल होंगे उसमें, जिसमें एक साल के आसपास उनको ट्रेनिंग और छुट्टी पर जाएगा, और मात्र 1000 दिन के लिए आप उनको बॉर्डरों में भेज रहे हो। वो नौजवान कह रहे हैं जब हम खुद सुरक्षित नहीं है, जब हमारा फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, हम देश की सुरक्षा में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं ये देश की सुरक्षा के साथ भी रिस्क है और युवाओं के साथ भी धोखा है। कांग्रेस पार्टी टूथ एंड नेल नौजवानों के साथ में और इस स्कीम को विरोध करते हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों जब इस सरकार को समझ आएगी, हमें पूरा भरोसा है वो इसको रोल बैक करेगी। शक्ति प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा, ये चलता रहेगा, नौजवानों युवाओं के साथ में हमारी सहानुभूति जारी रहेगी। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि शक्ति प्रदर्शन को इसी तरह से जारी रखा जाएगा जब तक इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया जाता। ये प्रदर्शन इसी तरह से देश भर के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहें जीके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट, धन्यवाद।